कैसे सभी और आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी वीडियो के अंदर। तो आज आए हम फन एंड फूड विलेज, जो कि लास्ट वीडियो थी जो कि जस्ट चिल वाटर पार्क, जिसमें आपने कुछ 10-12 दिन के अंदर, 10-12 दिन भी नहीं उसको पूरे और आपने बहुत सही रिस्पॉन्स दिया उस वीडियो के अंदर। तो आज हम घुमाएंगे फन एंड फूड विलेज, जो कि आपको पूरा टूर देने वाला हूँ और बहुत ही नाइस वाटर पार्क है। काफ़ी सारी राइडें इसमें ऐड होने वाली हैं जो कि आप, मैं उस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो बने रहना इस वीडियो के अंदर और बताना कमेंट करके वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना और चैनल को यूज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको और मज़ेदार वाली राइडों के अंदर। तो मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं विजिट यू। अब हम बात करते हैं फन एंड फूड विलेज के बारे में, जो कि पड़ता है कापासेड़ा बॉर्डर दिल्ली में। जो इसकी टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है। अब हम इसके टिकट प्राइस के बारे में बात करते हैं, जो कि कपल एंट्री है वो 1880 रुपये की है और जो स्टैग एंट्री है वो 1180 रुपये की है और जो बच्चों की एंट्री है 590 रुपये की एंट्री है। अगर कोई फीमेल या कोई लड़की आती है तो उसकी सिंगल एंट्री रहेगी 940 रुपये की। अगर कोई बॉय अगर फैमिली के साथ आता है, मतलब भाई बहन बच्चे जो भी उनके मतलब फैमिली मेम्बर के साथ आता है, तो उसकी टिकट पड़ेगी 940 रुपये। अगर वो अकेला आएगा तो उसकी 1180 की पड़ेगी, क्योंकि उसको स्टैग एंट्री में काउंट किया जाएगा। इस पार्क में 33 सेंटीमीटर से नीचे की हाइट के बच्चों की एंट्री एकदम फ्री है। 54 सेंटीमीटर से ऊपर के बच्चों की जो एंट्री है वो फुल एडल्ट में गिनी जाएगी और 54 से नीचे वालों में 590 की एंट्री है। अब हम यहाँ पे सबसे इजिली तरीका बताएंगे पहुंचने का। अगर आप कश्मीर गेट की तरफ से आ रहे हैं तो आप मोरी गेट से सीधी बस ले सकते हैं कापासेड़ा बॉर्डर की, जो कि आपको वहां पे नियर में ही छोड़ते हैं, जहां से आपको 5 मिनट वॉकिंग में आप पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय मेट्रो आ रहे हैं तो आपको सबसे नियर मेट्रो स्टेशन जो पड़ेगा वो पड़ेगा द्वारका सेक्टर 21, जो कि वहां से 6 किलोमीटर की दूरी पे है और वहां से आप किसी भी ऑटो को लेके आ सकते हैं। अगर आप इस वाटर पार्क तक बाय रोड आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल मैप के लिंक से भी आप पहुंच सकते हैं। ना तो आप गुड़गांव वाले हाईवे पे हैं तो आपको महिपाल पुल से राइट टर्न लेके 2 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद आप इस वाटर पार्क तक इजीली पहुंच सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अंदर पार्किंग की। जो पार्किंग की टिकट है 2 व्हीलर की है 20 रुपीज और 4 व्हीलर की है 50 रुपीज। देख सकते हैं बहुत सारे बच्चों के लिए आपका एक्टिविटीज दे रखी है इसके अंदर, मतलब फोटो सेल्फी वगैरह लेने के लिए। बैटमैन है, पूरा बैटमैन, ठीक है, हाथी घोड़े जिराफ। ये काफी सारे सेल्फीज पॉइंट बना रखे हैं, आप इनके ऊपर बैठ के भी मतलब फोटो ले सकते हैं। अगर बच्चे बड़े बूढ़े मच्छर ना टूट जाएंगे बेचारे, ठीक है, देख सकते हो। ये है फन एंड फूड विलेज की एंट्री, ठीक है, सामने है एंट्रेंस पॉइंट, ये देख सकते हैं। यहाँ पे टिकट काउंटर है जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। यहाँ से आपकी एंट्रेंस है, देख सकते हैं इस जगह से आपको इस तरीके के बैंड दे दिए जाएंगे। तो अगर आप आ रहे हो और आपके पास कॉस्ट्यूम्स नहीं है और आप रेंटे पे नहीं लेना चाहते तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। तो ये सारे के सारे शॉप है एक तरीके से यहाँ पे, और जो कि आपको रीजनेबल प्राइस में आपको सब कुछ यहाँ देखने को मिल जाएगा। जैसे फन एंड फूड विलेज के कप भी हैं यहाँ पे, तो मेल एंड फीमेल बोथ हैं यहाँ पे। जस्ट पे आपको कॉस्ट्यूम्स वगैरह भी रहेगा यहाँ पे इस तरीके से, देन लोअर वगैरह भी हैं। जैसे आप इस जगह पहुँचोगे तो लॉकर और कॉस्ट्यूम्स के काउंटर यहाँ हैं, कुछ ऐसे करके आपको सेल्फीज खिंचाने के लिए टॉय टॉय भी मिलेगा और टर्टल भी देखने को मिलेगा। टॉय टॉय टर्टल दोनों एक साथ हैं इधर, इसका यहाँ पे भालू भी है। देन ये लॉकर एरिया है पूरा का पूरा, तो इसमें इजीली 2 बंदों का सामान आ जाता है, वैसे एक ही रखो कंफर्टेबली। ये है आपका काउंटर एरिया, यहाँ पे आपको कॉस्ट्यूम वगैरह भी मिलेंगी। तो कॉस्ट्यूम और काउंटर के ये देख लीजिए, लेडीज़ का कॉस्ट्यूम और टॉवल हो गया आपका, लेडीज ही हो गया, लाइफ जैकेट, ट्यूब, लॉकर्स। लॉकर्स के 150 हैं, 200 डिपॉजिट कराने हैं, मतलब 350 देने आपको, 200 रिफंड जाएंगे, 150 हो जाएंगे। जेंट्स कॉस्ट्यूम 100 की है एंड देन 100 रुपीज़ आपको डिपॉजिट कराने हैं सिक्योरिटी के, जो आपको 100 रिफंड हो जाएंगे। ये लॉकर एरिया जहाँ से आपको लॉकर वगैरह लेना, कॉस्ट्यूम्स लेने हैं, सामने काउंटर है। देन देखोगे सामने यहाँ पे लेडीज़ चेंजेस के लिए, यहाँ पे मेल चेंजिंग रूम, तो पहले एक बार चेंज करके देन अपना सामान रखते हैं। और अगर आप चेंज वगैरह कर लिया है देन आप सामान रखते हैं लॉकर के अंदर, देन आपको ऊपर सारी स्लाइड्स वगैरह दिखाते हैं इसके अंदर। तो कंटिन्यू रहना इस ब्लॉग के अंदर, बहुत मज़ा आने वाला है आज।
सामने देख सकते हैं पॉपकॉर्न और ये मार्शमेलो आई थिंक सो, ये दोनों है सेल्फीज के लिए, इससे हाथ मिला लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे है, आपको दिखा दिया था सब कुछ। और ये ऐसी स्लाइड्स हैं जो कि अभी तैयार हो रही हैं। मैं तो आप लोगों से ये कहूँगा कि थोड़ा सा होल्ड करो 10 दिन का और ये बिल्कुल रेडी मिलेगा आपको एकदम बढ़िया तरीके से। मतलब क्या बढ़िया बढ़िया स्लाइड्स यहाँ पे रेडी हो रही हैं। ये कौन वाली स्लाइड देखो कितनी प्यारी लग रही है, देखने में ही प्यारी लग रही है, तो पता नहीं क्या खतरनाक होंगे। कम से कम 5-6 स्लाइड्स और ऐड होंगी इस वाटर पार्क के अंदर। ऐसे पानी दिया रहा है जिससे कि पैर ज़्यादातर गर्म ना रहें। उसके बाद ऐसे कई सारे वो क्या कहते हैं एनिमल्स हैं, ये देखो इसके दांत पकड़ लूँ मैं। बहुत ही बढ़िया पैकेज है इनका ये। और अभी आपको पहले एक बार सबको दिखाएंगे, ये इनका राइनो है ना, शायद राइनो नहीं है ये, कुछ तो है ये, जो भी है समझ जाओ, एलिफेंट, जिराफ, देन इनका ये जो भी है यहाँ पे स्लाइड्स ये देख सकते हैं इस जगह जाके। एक ये है और ये नया पूल इनका रेडी हो रहा है इस जगह पे, तो पूल भी बहुत बड़ा होने वाला है, देख रहे हो कितना बड़ा पूल है। मतलब 2-2 पूल देंगे पहले इनके बाद, और ये वाली स्लाइड्स भी रेडी होंगी जिनके लिए स्पेस अभी बनाया जा रहा है। और देन सामने है कुछ खाने पीने का, और ये है इनका वेव पूल। और ये सामने भाई बहुत ही प्यारा सीन है, देख रहे हो, मतलब आराम से लौटो इधर, कोई टेंशन नहीं है। लोगों से ये विनती है अपने बैग वहाँ पे ऐसे खुले ना रखें यार, लॉकर दे रखा है, लॉकर का इस्तेमाल करो। और यहाँ का पानी देख सकते हो क्रिस्टल क्लियर एकदम, मतलब अंदर का आपको दिख रहा होगा मेरे हाथों से ही, आपको प्रतीत हो रहा होगा कितना क्लियर पानी है, साफ पानी है बहुत ज्यादा। इस वाटर पार्क की यही खास बात है कि बहुत क्लियर पानी है। इसके बाद ये है इनकी लेजी रिवर। ये है लेजी रिवर। सबसे अच्छी बात इस वाटर पार्क की क्या है कि आपको कोई भी क्या कहते हैं ट्यूब लेके ऊपर नहीं जाने, ट्यूब यहीं से ऊपर चली जाएगी, जैसे वो सामने जाने लग रही है उधर, ऐसे करके ऊपर चली जाएंगी, तो आपको बार बार ट्यूब लेके जाने की जरूरत नहीं है। और ऊपर ही जाओ डायरेक्टली और स्लाइड्स करके नीचे आ जाओ। ये एक इनकी स्लाइड है जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये स्लाइड नहीं है, इस स्लाइड से क्या है कि वो ट्यूब जाने के लिए है वो, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कोई आ रहा है क्या। और ये इनकी 1-2-3 स्लाइड्स हैं जो कि आप इधर देख रहे हैं, और ये पूल है इधर, तो इधर थोड़ा सेफ रखिए रहिए, क्योंकि जैसे सामने कोई आया तो हट जाना भाई। एक इंसिडेंट देखा मैंने, यहाँ का नहीं वो कहीं और का है, पर थोड़ा बिल्कुल सेफ रहो आप लोग, सब सेफ रहो वाटर पार्क में आओ ना, तो छेड़ा छाड़ी ना करो। क्या है कि ना स्लाइड्स वगैरह मैंने जो है आपको दिखा दी होंगी, देन अब हम क्या करेंगे, हट के नीचे आ गए, अब हम जाएंगे ऊपर स्लाइड्स करने के लिए। 5-6 स्लाइड हैं जो कि इनकी बहुत बढ़िया स्लाइड हैं, और अभी कुछ हाल फिलहाल में आने वाले टाइम में इनके मतलब सबसे ज़्यादा स्लाइड्स होने वाली हैं, तो उस व्लॉग का भी वेट करना, आपके भाई के चैनल पर आपको मिल जाएगा। और तुम्हें पता है दिल्ली एनसीआर में घूमता फिरता रहता हूँ, तो कर लो सब्सक्राइब चैनल को। और लास्ट वीडियो पर जो प्यार दिया आप लोगों ने फन एंड फूड विलेज सॉरी जस्टल वाटर पार्क पर, वैसा ही प्यार इस वीडियो में दिखाना, तो आपको दिखाता हूँ। देन उसके बाद ये देख सकते हैं ये 2 स्लाइडें हैं, टनल वाली नॉर्मल वाली, जो ये वाली है बहुत स्पीड वाली है, ये थोड़ी स्लो जाएगी, तो अब इसको बाद में करेंगे हम। हो कौन वाली स्लाइड भी है इनके पास, ये अभी इसमें कुछ पानी का इशू है, तो ये 1-2 दिन में दोबारा चालू होगी, तो जब 15 दिन बाद दोबारा आएंगे तो ये सब चालू मिलेगा आपको, पूरा बढ़िया करके मिलेगा। बस 5-7 दिन की बात है, रुक जाओ थोड़ा सा, फिर और मज़ा आएगा। ये ट्यूब वाली स्लाइड, जो कि ये वाली थी जो कि बढ़िया लगी। अब हम जा रहे हैं ऊपर वाली फन एंड फूड वाली फन स्लाइड जो है, आपको एक बार फन स्लाइड दिखाएंगे। और एक गाने बहुत बढ़ रहे हैं, कॉपीराइट ना जाए, तो थोड़ा थोड़ा चलाएंगे। तो यहाँ से मॉनिटर किया जा रहा है, तो इस स्लाइड में फ़ायदा ये है कि यहाँ पर मॉनिटर होता रहता है उस टीवी के अंदर,
तो फ्रेम रेट ज़्यादा है तो इस वजह से वो फिकलिंग दिखा रहा है। तो हम चलते हैं और काफ़ी गहरी टनल है ये। लिटरली भाई बहुत खतरनाक स्लाइड है वाली। यहाँ की वेव स्टार्ट हो चुकी है जो कि अभी स्टार्ट होने वाली है, देख सकते हैं। देख सकते हैं ये है लेजी रिवर जो कि बड़े और बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए उस साइड पे है। आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही प्यारा यूनिक वाटर पार्क है इस यहाँ का। और ये यहाँ से हेड लगा रखे हैं। अब हम करने आ गए हैं याली स्लाइड, ये है फन स्लाइड। ये भाई करेगा पहले। अभी पानी आ गया ऊपर। अगर यहाँ स्नैक्स वगैरह का जुगाड़ होता तो और मजा आता, बैठ के एकदम चिल कर पाते। अब हम जा रहे हैं। ये ऐसे फ्रॉग है यहाँ पे, यहाँ से बच्चे एंट्री करते हैं। अभी क्या क्या हम फैमिली स्लाइड्स पे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ऊपर। तो ये एंट्री है उसकी। अच्छा ये ट्यूब वाली है। फैमिली जो स्लाइड्स हैं ये मैंने कंप्लीट कर ली है। देन लगभग मैंने यहाँ पे सारी स्लाइडें कंप्लीट कर दी। तो खा रहा है वो दिखाऊंगा, देन उसके बाद एक आधी स्लाइड और पूल के मजे लेके यहाँ से हम निकलते हैं घर के लिए। यहाँ पे हमारा ये है कैश काउंटर, देन हमारे को यहाँ मिलेगा सब कुछ खाने के लिए। आपको 200 वाली थाली में ये जो देखने मिलेगी, कड़ी, छोले, राजमा, चावल, प्याज, सैलेड, रोटियां। आप एक बारी में जितना मर्जी करा लो देन खा लो, मतलब अनलिमिटेड नहीं है। 100 रुपीज़ के पास्ता में देखने को मिलता है आपको, और कोल्ड ड्रिंक। और ये व्यू वाह क्या शानदार है। टेस्ट की बारी आपको जो करके दिखानी है। पास्ता इज नाइस। अच्छा करता हूँ आपको जो जो इस ब्लॉग में मैंने दिखाया वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और आपको कैसे आना है क्या आना है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सभी दोस्तों के शेयर करना, चैनल को यही सब्सक्राइब करना, अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करना, और कमेंट करके बताना कौन सी स्लाइड बहुत बढ़िया थी। मिलते हैं आपको किसी और ब्लॉग में, किसी और नई जगह के, किसी और नई टॉपिक के ऊपर। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और आवाज़ रहिए। मैं हूँ गोविंद और आप देख रहे हैं विजिट योग।